हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। सीबीएसई अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अलग अलग पोस्ट्स के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन इशू किया है 2024 साल के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो नोटिफिकेशन आई हुई थी वह 8 मार्च 2024 को आई हुई थी। इस नोटिफिकेशन में कितनी तरह के पोस्ट है, किस तरह के पोस्ट है, थोड़ा उस पर हम लोग विहंगम दृष्टि डाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए है, इसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर के लिए है, जूनियर इंजीनियर के लिए है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, जूनियर अकाउंटेंट के लिए है। हम लोग विशेषकर बात करेंगे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के बारे में, JTO के बारे में। ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट है, वह ग्रुप बी में यहाँ पर डाला जा रहा है। इस वैकेंसी की जहाँ तक बात है, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 7 कुल वैकेंसीज है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। यहाँ जो 30 जो आप देख पा रहे हैं, ये मैक्सिमम एज है। हालांकि जो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 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 क्राइटेरिया है रिजर्वेशन को लेकर के, वो तो एज रिलैक्सेशन उसके अनुसार तो प्राप्त होगा ही। एससी की यदि बात करते हैं वैकेंसी को लेकर के, तो एससी के कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी यहाँ पर निर्धारित की गई है। एसटी अर्थात शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर एक भी वैकेंसी नहीं दिख रहा है। जहाँ तक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं, तो उनके लिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं 2 वैकेंसीज है। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनके लिए एक वैकेंसी यहाँ पर दिख रहा है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 3 वैकेंसीज है। और इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 7 वैकेंसीज है इन टोटैलिटी। अब फ्रेंड, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वैकेंसी को लेकर के, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जहाँ तक बात है कि आपका चयन यदि होता है अंतिम रूप से, तो आपको कहाँ पर पोस्टिंग प्राप्त होगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस चीज़ को। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द ऑफिसेज ऑफ द बोर्ड, दैट इज रीजनल ऑफिसेज, सेंटर ऑफ एक्सलेंस। आपका यदि अंतिम रूप से चयन होता है, तब आपकी जो पोस्टिंग होगी वह CBSE के रीजनल ऑफिसेज में होगी। और जो भी स्कूल सेंटर ऑफ एक्सलेंस को प्राप्त किया है, उस गौरव को जो प्राप्त किया है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। और वो जगह यहाँ पर पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा कि जो सिटीज़ में आपका, जिस सिटी में आपका चयन होगा, उन सिटीज़ का यहाँ पर आप एक लिस्ट देख पा रहे हैं। कौन कौन से सिटी है, अजमेर है, इलाहाबाद में है, भुवनेश्वर में है, भोपाल में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, देहरादून, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, थिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, रायबरेली। आपका सिलेक्शन होता है तब इन सिटीज़ में आपको पोस्टिंग प्राप्त होगा। आप यदि अपेक्षा रखते हैं हेडक्वार्टर्स में जाने की, तो यह यहाँ पर बताया गया है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, बाय द वे आगे हम लोग देखते हैं कि और इससे संबंधित क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को जानना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन, आप आवेदन के लिए जो तिथि यहाँ पर देख रहे हैं वह है 12 मार्च 2024, अर्थात कल से आवेदन आपका आवेदन देने की तिथि कल से आपका प्रारंभ हो चुका है। और यह जो है आवेदन दिया जा सकता है 11 अप्रैल 2024 तक, 1 महीने का करीब आपके हाथ में है। आपको बहुत बढ़िया से सोच लेना है कि आप इस पोस्ट के लिए, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पोस्ट के लिए, जो CBSE के द्वारा डिक्लेयर किया गया है वैकेंसीज, उसके लिए आप खुद को कितना योग्य पाते हैं। ओके, इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे हम लोगों को जानना है, वह है क्वालिफिकेशन को लेकर के।
जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन सेम है जैसा कि एसएससी जीएसटी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित रहती है। अर्थात यदि हम लोग संक्षेप में बात करें तो वही मास्टर डिग्री है जो भी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो भी वैकेंसीज आती है वो तो पीजी लेवल का ही होता है, पोस्ट ग्रेजुएट्स वाले ही इसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, आपको आपके पास पीजी होना चाहिए। पीजी यदि हिंदी में है या इंग्लिश में है और इसके साथ ही साथ ग्रेजुएशन में हिंदी और अंग्रेजी एज ए कंपल्सरी या इलेक्टिव विषय है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है, यदि आपका पीजी किसी भी विषय में रहा हो, न कि आपका हिंदी अंग्रेजी को छोड़ करके आप किसी भी विषय में आपने पीजी किया है, किंतु यदि ग्रेजुएशन में आपका जो विषय है उसमें आपका हिंदी एक विषय के रूप में हो और अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो, दोनों ही विषय हो, तब आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है। नहीं तो क्या है, यदि आप ग्रेजुएशन में आपका जो एग्जामिनेशन रहा हो वह हिंदी अंग्रेजी मीडियम में रहा हो तो भी आप एलिजिबल हो। ये नहीं कि मास्टर डिग्री आपका हिंदी या अंग्रेजी साहित्य से होना ही चाहिए, ठीक है। इतना जानने के बाद अब जो अंतिम जो एक सर्टिफिकेट या एक जो डिप्लोमा चाहिए वह है पीजीडीटी का, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का। अगर वो नहीं है तो आपके पास यदि सर्टिफिकेट कोर्स है ट्रांसलेशन वाला तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं ऊपर वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ ही साथ। यह भी होना अनिवार्य है, अगर आपके पास पीजीडीटी नहीं है न तो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है किंतु आपके पास 3 साल का अनुभव है अनुवाद के क्षेत्र में, हिंदी और अंग्रेजी के अनुवाद के लिए आप कहीं पर अनुभव प्राप्त किए हुए कहीं पर कार्यरत रहे हैं या है और 3 साल हो चुका है, और ये ध्यान रखना है कि जो एक्सपीरियंस आप गेन किए हैं या गेन कर रहे हैं वो कोई सरकारी कार्यालय हो या रिकॉग्नाइज जो सरकारी सर्टिफिकेट जिसके लिए मांग की जाती है, अपेक्षा रखी जाती है ना, तो वो आपका कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ही वो सर्टिफिकेट इशू किया जाए जिसमें आपका अनुभव के बारे में जिक्र करता हो, तब आप पाएंगे कि आपका वो जो एक्सपीरियंस है वो पीजीडीटी या सर्टिफिकेट कोर्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसा यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में के दफ्तर में यदि आप एज अ ट्रांसलेटर कार्य किए हुए हैं और 3 साल का अनुभव है तो वह अनुभव वो जो सर्टिफिकेट उसके से संबंधी आप बनाएंगे वो पीजीडीटी या सर्टिफिकेट कोर्स के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। इसके बाद आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं वो है फी को लेकर के, देखिएगा। बाकी रिलैक्सेशन की यहाँ पर बात किया जा रहा है, ओबीसी यहाँ 3 साल का रिलैक्सेशन प्राप्त करेंगे और जो है ना पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी यू आर अनडिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है और ओबीसी के लिए यहाँ 13 साल का रिलैक्सेशन है, काफ़ी है, ओके। एससी एसटी के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है, अर्थात 45 साल तक हुआ है एग्ज़ाम के लिए खुद को एलिजिबल पाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा कि एग्जामिनेशन फी की जहाँ तक बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि जो जेटीओ का जो पोस्ट है वह ग्रुप बी में आ रहा है यहाँ पर, इसलिए उसका जो फी है वह 800 रुपया है, ठीक है। बाकी अन्य पोस्ट के लिए आप देख पा रहे हैं कि 1500 रुपये हैं, ये 800 है। आगे देखते हैं और इससे संबंधी और क्या चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ। अब हम लोग देखते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को जानना एग्ज़ाम पैटर्न को, क्योंकि यही तो गेम चेंजर है। एलिजिबिलिटी जो एसएससी जीएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो एलिजिबिलिटी तो होगा ही होगा। जहाँ तक एग्ज़ाम
के पैटर्न की बात करते हैं तो काफ़ी ऑल्टर है, कहने का मतलब है ना काफ़ी काफ़ी भिन्न है। जो कैंडिडेट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जिसमें जीके जीए करंट अफेयर्स जिसे कहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी लिटरेचर, अंग्रेजी लिटरेचर, इतने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के चल रहे हैं, तो वो इस तरह के एग्ज़ाम के लिए खुद को योग्य पाएंगे, उनको ज़रूर भरना ही चाहिए। लेकिन देखिएगा कि यहाँ ध्यान रखना है, पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम होगी आपका वो एक ही फेज़ में होगा। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो एग्ज़ाम होगी जेटीओ के लिए वह सिंगल फेज़ एग्ज़ाम होगी और सारे के सारे जो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वे एमसीक्यू होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और यह ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी, ना कि सीबीडीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ में आ गया है ना, अर्थात ऑफलाइन होगी, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। अब इस एग्ज़ाम में कितने पेपर्स रहने वाले हैं, तीन पेपर्स है, पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर। अब देखिएगा जो सिलेबस है वो थोड़ा विस्तृत है, थोड़ा क्या, काफ़ी विस्तृत है, आपको कॉम्प्रहेंसिव तरीके से लगना होगा। जनरल नॉलेज है ना, जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, करेंट अफेयर्स में आपको पकड़ रखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ कंपैरेटिव लिटरेचर, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एट्सेट्रा, इसकी जहाँ तक बात है, कंपैरेटिव लिटरेचर, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो इन्हीं के साइट में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको लेकर के पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है, उनके पीडीएफ को आपको सीबीएसई वाले ही ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे संबंधित आप नोट्स बनाएंगे और इस तरह से आपका जो मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन है इस पर बेस्ड जो होगा वो आप बहुत हद तक पूरा कर पाएंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात है कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे इस पर, जीके पर, करंट अफेयर्स पर और इस तरह के बोर्ड से संबंधित जो जिस विभाग के लिए आप जा रहे हैं उस विभाग के बारे में आपके पास साउंड नॉलेज होना चाहिए, उसमें आप देख पा रहे हैं कि 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 30 क्वेश्चंस के लिए 60 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ओके। अगर हम लोग दूसरे पेपर की बात करते हैं, पार्ट 2 की बात करते हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स यहाँ पर पेपर्स है, इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वे 20 की संख्या में होंगे और 40 अंक के होंगे, ये भी 2-2 अंक के वेटेज यह प्राप्त किया हुआ है। फ्रेंड, जहाँ तक पार्ट 1 और पार्ट 2 के पेपर्स की बात करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर हार्ड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स, चूँकि क्वालिफाइंग इन नेचर तो है नहीं, ये अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको हर चीज़ पर ध्यान तो देना ही होगा, ओके। जहाँ तक बात है पार्ट 3 के, तो देखिएगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें है, इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, हिस्ट्री ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी और अंग्रेजी साहित्य से संबंधित तब प्रश्न होंगे, एंड इट्स डेवलपमेंट, पॉपुलर हिंदी एंड इंग्लिश नॉवल, प्ले, स्टोरी, एसे, क्रिटिक्स एंड पोइट्री, हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेजेस, मॉडर्न हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स एनालिसिस, आर्ट एंड स्किल्स ऑफ ट्रांसलेशन, कंपैरेटिव लिटरेचर, इतनी सारे चैप्टर्स यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं, अर्थात आपको हर तरह की चीज़ें पढ़ने पड़ेंगे, आपको नाटक पढ़ने पड़ेंगे, अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, कहानी पढ़ने पड़ेंगे, निबंध पढ़ने पड़ेंगे, समालोचना पढ़ना पड़ेगा, कविता पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में अच्छा ज्ञान आपको रखना पड़ेगा, हिंदी और अंग्रेजी के व्याकरण से संबंधित और उसके अनुप्रयोगों से संबंधित आपके पास ज्ञान होना चाहिए, और वो भी क्या है कि लिटरेचर आपको पढ़ना है, लेकिन ना मॉडर्न लिटरेचर भी पढ़ना है, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो चाहे अंग्रेजी लिटरेचर हो,
जो सिलेबस यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इसका वेटेज है 100 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे और 200 अंक के ये वाला रहेंगे, है ना। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि लगभग हर चीज़ इसमें पूछा जा रहा है हिंदी और अंग्रेजी लिटरेचर से संबंधित। जो भी कैंडिडेट हिंदी और अंग्रेजी साहित्य को लेकर के रुचि रखते हैं तो उनके लिए ज़्यादा बड़ा इशू यह एग्ज़ाम नहीं रहने वाला है। लेकिन ध्यान यह अवश्य रखिएगा कि जद की भटकाव ना हो, क्योंकि इसका जो सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न हम लोग देख पा रहे हैं अन्य जो अनुवादक परीक्षा होते हैं उससे यह काफ़ी डिफरेंट है ना। इसलिए अगर आप इसके लिए आप भरते हैं तब पहले सोच लीजिए कि कहीं डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो जाएगा। यदि आपका लक्ष्य आप खुद की योग्यता अगर भाप पा रहे हैं कि आपकी योग्यता SSC JST बेस्ड पैटर्न के प्रति है ना, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको इस तरह के वैकेंसीज के लिए जाना चाहिए। क्योंकि जहां भटकाव आ जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। आपकी रीजनिंग, जैसे आपको जो राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनकी रीजनिंग अच्छी होगी, जो बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स भी अच्छे होंगे। रीजनिंग, मैथमेटिक्स और GA, ये तीन चीज़ें तो डेफिनेटली अच्छे होंगे। जहाँ तक जनरल नॉलेज की बात है तो ये इसका पता कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि क्या है, जनरल नॉलेज से संबंधित जो प्रश्न है वो पता नहीं किस क्षेत्र से प्रश्न आएंगे, लेकिन प्रश्न जो आएंगे वे हल्के ही रहेंगे। क्योंकि इसकी वेटेज की यदि हम लोग बात करते हैं तो देख पा रहे हैं कि इतना भी वेटेज नहीं है, इसलिए हल्के क्वेश्चंस रहेंगे। इसलिए ज़्यादा डरने की भी आवश्यकता नहीं है। मेन है ये पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 के सिलेबस को यदि आप कवर कर पाने में सक्षम है, खुद से प्रश्न करिएगा, तब तो फिर ये जो पोस्ट है JTU में तो उसमें आपका एक सीट रिजर्व है। तो सबसे पहले तो आपको खुद से पूछना होगा, खुद की योग्यता की पहचान करनी होगी, इसके बाद फिर आप जरूर इसके लिए भरे, है ना। जहाँ तक बात है टाइम की, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि 2.5 घंटे आपको इसके लिए प्राप्त होंगे, काफ़ी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और 300 यहाँ पर प्रश्न है, तो 2.5 घंटे काफ़ी है, आप 2.5 घंटे में बना सकते हैं। और देखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि 2 अंक के हैं प्रत्येक क्वेश्चन। अगर आप कोई गलती करते हैं, कोई प्रश्न के उत्तर देने में गलती करते हैं, तब आधे अंक काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, ऐसा नहीं कि आप अंधाधुंध वहाँ पर आप आंसर मार करके आ जाएं, OMR शीट को रंग करके आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा कि यहाँ पर फिर एक चीज़ स्पष्ट किया गया है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो कौन कौन से जगह पे होगा, ये चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो गर्ल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के। जिनको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है वह दूर दूर भी जाने के लिए तैयार है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कौन कौन से सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर्स रहने वाले हैं। यहाँ देखिएगा आंध्र प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा एक सेंटर रहेगा, आसाम में गुवाहाटी एक सेंटर रहेगा, बिहार में एक पटना रहेगा, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ वही है रहेगा, दिल्ली ही हो गया, कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु सिटी में सेंटर रहेगा, केरला में तिरुवनंतपुरम एक सेंटर है वहाँ पर, मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल सिटी में सेंटर रहेगा, महाराष्ट्र राज्य में पुणे में सेंटर रहेगा, उड़ीसा में भुवनेश्वर में सेंटर रहेगा, राजस्थान की यदि बात करते हैं उस राज्य की तो अजमेर में एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, तमिलनाडु की यदि बात करते हैं तो चेन्नई एग्जामिनेशन सेंटर है, प्रयागराज एग्जामिनेशन सेंटर है, देहरादून उत्तराखंड राज्य में वो एक एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। और इस एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के यहाँ पर वही बात कहा गया है कि आप जो है सो प्रेफरेंस को लेकर के आप अपना जो है ना अपने प्रेफरेंस नहीं दे सकते, ये तो बोर्ड डिसाइड करेगा इसको लेकर के, ठीक है। आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ हम लोग जानेंगे।
देखिए वही बात हमने पहले भी कह दिया था कि दो मार्क्स होंगे एक प्रश्न के लिए, और यदि कोई गलत आंसर देते हैं तो उसके लिए आधे अंक काट लिए जाएंगे। ओके, ओएमआर शीट आपको प्राप्त होगा, एक रफ पेपर भी प्राप्त होगा। रफ पेपर में जो भी आप रफ कार्य करेंगे वो वहीं पर आपको फिर सबमिट भी कर देने होंगे। आपको बाहर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। ओएमआर शीट में आपको रंगना है अच्छी तरह से। और बाकी हम लोग और कुछ तो ऐसा नहीं देख पा रहे हैं। आशा करते हैं कि इस वैकेंसी को लेकर के एक एक चीज़ स्पष्ट हो चुका है। आपको बस यह डिसाइड करना चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए खुद को कितना तैयार कर पाएंगे। अभी एग्जामिनेशन डेट का डिक्लेरेशन इस नोटिफिकेशन में नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है कि एग्ज़ाम इसका ले 2 महीने में, है ना। या ये भी हो सकता है कि अगर डिले हो इलेक्शन को लेकर के तो इलेक्शन के बाद ले, तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। बाय द वे फ्रेंड, यदि आप 2024 के एसएससी जेएसटी को एक मिशन मोड में आप उसे रखे हुए हैं कि इस बार 2024 में आपका फाइनल सिलेक्शन हो ही, तो इसके लिए आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है किसी भी कोर्स के लिए, और यह होली तक ही यह ऑफर चलेगा। काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट आप प्राप्त कर पा रहे हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो अनुवाद अनुवाद से संबंधित हो, तो ऐसे कोर्सेस आपको मिलेगा। आप हमारे हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल अवश्य करें, आनंदम ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और हमारे कोर्सेज को देखें। काफ़ी एक्सक्लूसिव कोर्सेज हैं और मिशन मोड में आप जो भी एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं मिशन मोड में खुद को तैयार करिए। मिलते हैं हम लोग अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। शुभकामनाएं।